फ्रेंड्स ओके आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन का बिजनेस और इसको बिजनेस में भी मतलब बिजनेसमैन भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या क्या सर्विसेज लगते हैं, ओके क्यों करना चाहिए वेबसाइट, क्यों करना चाहिए मोबाइल एप्लीकेशन या ये बिजनेस कैसे करना है, ओके तो इसमें पहले बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट जो हम प्रोवाइड करते हैं, डिटेल्स हैं जो अगर आपको कोई भी ऐप बनाना है या वेबसाइट बनाना है तो आपको क्या याद रखना चाहिए, या फिर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो मतलब लोगों को वेबसाइट बना के देना चाहते हो या लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन बनाना देना चाहते हो इस बिजनेस में, ओके तो आपको क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, ओके फिर आपसे अगर इसमें कोई भी मतलब ज़रूरत चाहिए रहेगी आपको तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ओके रही बात यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी प्राइस मेंशन करके नहीं रखी है, क्योंकि देखो कैसा है, डिपेंड है आपका जैसा इन्वेस्टमेंट रहेगा, मतलब आप जितना खर्चा करना चाहते हो उसके हिसाब से बनेगा, क्योंकि बनाने के लिए आपको बनाना रहेगा तो भी आप क्या 1000 से भी बना सकते हो, $1000 से भी बना सकते हो, या अगर बहुत ही अच्छा किफ़ायती सब कुछ काम करना है तो आप मैक्सिमम जितना पैसा खर्च करोगे उतना कम है, ओके तो ये पूरा सफ़र ऐसा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कोई भी प्राइस या ये कुछ नहीं बता रहे, वो प्राइस आपको डिसाइड करना है और आपको उसी तरह से काम करना है, ओके ओके बेनिफिट्स में देखो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट और एनी टाइम कैंसिल, ये इन उन लोग के लिए है जिनको एक साथ पैसा नहीं डालना है, रेंट पे यूज़ करना है एप्लीकेशन या वेबसाइट, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा, ओके तीसरी चीज़ है सोल्यूशन, मतलब कोई कुछ स्टार्ट टू बॉटम जो भी वेबसाइट और एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी काम रहेगा ये पूरा का पूरा मतलब पेमेंट गेटवे होने दो, फिर वहाँ पे शिपमेंट में कुछ आपको हेल्प लग रही होगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या कुछ रहने दो, लाइसेंस से रिलेटेड कुछ भी प्रोसीजर रहने दो, ये पूरा हेल्प हम लोग देते हैं, ये आपको भी पता है। 27 फ़ोन बैकअप, मतलब कुछ भी हेल्प हो जाती है एप्लीकेशन में या कुछ भी सर्वर डाउन है या फलाना जो भी है तो उससे रिलेटेड भी आपको हेल्प मिल जाएगी। फिर इजी अपडेट है, जैसे आपको भी पता है कि कोई भी अगर हमारा गैजेट ओके वो नया हम अपडेट करवाते मतलब नया लेते हैं तो हमेशा उस तरीके से एप्लीकेशन भी अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत चेंजेस जैसे गवर्नमेंट के लॉबी की वजह से आपका प्रोडक्ट कोई अपग्रेड करना है, कुछ कैटेगरी ऐड करनी है आपको, तो उसको हमेशा अपडेट करना रहता है। जैसे आपने भी देखा रहेगा कि जो आप ऐप डाउनलोड करते हो अपने मोबाइल में उसको वाईफाई के साथ या आप अपना सेलुलर नेटवर्क के साथ जब भी कनेक्ट होता है तो अपडेट आते ही रहते हैं उसके, ओके ठीक है नेक्स्ट सॉरी ओके असिस्टेंट, अभी आप बोलोगे कि क्या ये असिस्ट क्या होता है, मतलब क्या चीज़ है असिस्ट, क्या देखनी ज़रूरी है। देखो कैसा है, आप वेबसाइट बना रहे हो या एप्लीकेशन बना रहे हो, अगर आप लोगों को ये बता रहे हो कि वेबसाइट पे विज़िट करने के बाद या एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कि वो चीज़ जो भी आपका बटन्स रहने दो, आपके सर्विसेज रहने दो, आपके कुछ भी मतलब आइकॉन्स आप दिखा रहे हो वहाँ पे, वो गाइड देना चाहिए, मतलब लोगों को पता रहना चाहिए भाई कि यहाँ पे क्लिक करके क्या होने वाला है, वहाँ पे क्लिक करके क्या होने वाला है, अभी ये क्लिक करने के बाद दूसरा कौन सा उसके बाद क्लिक करना है, ये अगर आप उनको गाइड करते हो ना मतलब मदद करते हो असिस्ट करते हो तो वो इजी रहता है, मतलब पहले ही पॉजिटिव माइंड क्रिएट हो जाएगा कि भाई हाँ ये हो जाने के बाद वो करना है, ओके फिर आ जाता है डिटेल्स। अभी डिटेल्स में देखो, डिटेल्स में मतलब क्या है कि कोई भी अपन बटन पॉज मतलब बटन प्रेस करते हो ओके या आप बटन प्रेस करने से पहले आपको अगर पता रहना चाहिए कि ये बटन किस लिए है ओके उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर आपको पहले से ही पता रहेगी तो आपको हेल्प मिल जाएगी ये सब चीज़ें कस्टमर को समझाने में और कस्टमर भी इजीली समझ सकता है ओके फिर आ जाता है प्रोफाइल। अभी देखो प्रोफाइल तो अपना वेबसाइट या ऐप कौन सा बना रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कस्टमर को प्रोफाइल कैसा देना है ओके मतलब आप कोई मैट्रिमोनियल साइट बना रहे हो तो उसका अलग रहेगा, कोई आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो उसका अलग रहेगा, कोई आप लाइव चैट या फ्रेंड डेटिंग ऐप ऐसे बना रहे हो तो उसका अलग रहेगा ओके या आप सर्विसेज कोई प्रोवाइड कर रहे हो ऑनलाइन टीचिंग ऐसे वाला तो उसका अलग रहेगा प्रोफाइल, तो वो उसके हिसाब से आपको प्रोफाइल डिज़ाइन करना भी है और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको पूछना भी है ये सब बातें लोगों को ओके फिर आ जाता है
एजुकेशन, अभी एजुकेशन में देखो कैसा है, अगर आप जो भी ऐप बना रहे हो या आप ऐप वेबसाइट बना रहे हो उससे रिलेटेड अगर लोगों को पहले ही पता रहने रहेगा कि भाई ये हर एक गाइडेंस मतलब हर एक सर्विसेज या आपका कौन से प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है ये सब आप पहले ही बता दोगे कि ये डाउनलोड करने के बाद क्या होगा या उसको बाय करने के बाद, तो मतलब लोगों को गाइड करना ये बहुत ज़रूरी है, एजुकेटेड करना ज़रूरी है, तब लोगों को पता चलेगा। कई बार आपने देखा भी रहेगा कई ऐसे वेबसाइट रहते हैं जैसे आपने एक एक सर्विस कोई भी चूज़ कर ली फिर उसके आगे उसका एक अपग्रेडेड सर्विसेज भी बताया जाता है कि अगर आप ये सर्विस करोगे तो ये दोनों चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगी, मतलब वो एजुकेटेड करते जाता है वो सब चीज़ों में, या पहले से यूज़ कर रहा है तो उसको बोल देता है कि अपग्रेड करवा दो, ओके। या आपने एक चीज़ खरीद ली तो चीज़ खरीदने के बाद उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ दूसरी रहेगी, ओके। जैसे आपने फॉर एग्जांपल मोबाइल ख़रीद लिया तो मोबाइल परचेस करने के बाद आपको उसका बैक कवर के बारे में ऐड आता रहेगा, राइट। तो ये गाइड करना होता है, ओके, उसको एजुकेटेड करना रहता है। या आपने मोबाइल कैप भी ख़रीद लिया फिर उसके आगे वो दिखाएगा फिर से आपको कि जो मोबाइल कवर आपने ख़रीदा है उससे भी स्ट्रांग दूसरा वाला कौन सा है, ओके। तो ये सब चीज़ें, तो मतलब कस्टमर को हमेशा एजुकेशन देना ज़रूरी है, ओके, और ये सब देखना ज़रूरी है। फिर आ जाता है टारगेट। अभी टारगेट कैसा है, देखो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में या जो भी वेबसाइट में कस्टमर को भी आपको उनका क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब जैसे आप कोई ये बिजनेस कर रहे हो मतलब करना चाहते हो तो कस्टमर को पूछ सकते हो कि भाई ये ऐप से वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का मेन जरिया क्या है, टारगेट क्या है अपना, क्या कस्टमर देना, क्या बेचना चाहते हो, तो उस तरीके से उस प्रोडक्ट को आप हाईलाइट कर सकते हो। और अगर आप बनवा के ले रहे हो तो आप भी अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे ये इसमें ये ज़्यादा मुझे बेचना चाहिए क्योंकि ये तो बाकी की चीज़ें मैं बेच सकता हूँ लेकिन ये वाली चीज़ मेरे से जाती नहीं, जो भी एक्स वाई जेड जो चीज़ रहेगी वो, तो वैसे उस तरीके से टारगेट ऑडियंस या आपका जो भी है वो मैनेज कर सकता है। फिर आ जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेस्ट हो जाता है इसमें कि आपको पूरा का पूरा एक्सेल शीट मिल जाता है कि कितना भी आपका सेल हुआ है उसमें क्या प्राइस है ये सब कुछ, ओके, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेच रहे ये सब इन्वेंट्री में आ जाएगा, बैलेंस कौन सा है, ओके, ये सब चीज़ें आपको आ जाएगी कि यहाँ से कितना सेल आउट हुआ है ये जो भी है, ओके। फिर मेन बेनिफिट है वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने का, वो पहला है ग्लोबल बिजनेस, मतलब आप कहीं कौन से भी कंट्री में बैठ के अपना वेबसाइट अपना बाहर का आदमी एक्सेस कर सकता है अगर उसके पास वो यूज़र आईडी है या आपने वैसा एडसेंस लिया हुआ है, ओके, जो कि एडवर्टाइजमेंट का रहता है या आपका यूनिक है कुछ आपके रिलेटेड, आपने जो भी कंटेंट वहाँ पे लिखा हुआ है उससे रिलेटेड गूगल तुरंत आपका हाईलाइट करवा के दे देगा, ओके, तो वो कस्टमर के लिए सर्च करने में इजी रहता है, ओके, मतलब इजी एक्सेसिबल हो जाएगा। फिर आ जाता है अनलिमिटेड अपलोडेड, ये भी चीज़ें आपको मिल जाती है कि कितने भी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं। हाँ, वो अलग है कि इसमें बिजनेसमैन कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं कि जैसे कि इतना प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो फर्स्ट में, सेकंड अपडेट में हम आपका कोई भी सब्सक्रिप्शन रख देते कि इतना आपको पे करना पड़ेगा फिर उसमें आप इतना एक्सेस कर सकते हो, तो उसके हिसाब से भी रह जाता है, ओके। फिर आ जाता है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे तो मेन बेनिफिट यहाँ पे क्या है पेमेंट गेटवे का कि आप कौन से भी करेंसी का एक्सचेंज ले सकते हो, ओके, ये भी ऑप्शन आ जाता है उसमें, तो वो आपके लिए बेफिक्र मतलब टेंशन फ्री है कि आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो हर एक करेंसी एक्सचेंज में मतलब कार्ड का यूजेबल। फिर है रिव्यू। रिव्यू से आप अपना वेबसाइट और एप्लीकेशन अपग्रेड करते हुए कस्टमर के रिव्यू पढ़ने के बाद उस तरीके से काम कर सकते हो, क्योंकि देखो रिव्यू पे अब अगर ध्यान नहीं दिया तो जल्दी जल्दी आपका बिजनेस बैठ जाएगा। अगर रिव्यू क्यों रखना ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियाँ क्या है, कस्टमर क्या चाहते हैं, उनके सजेशंस क्या है, ये सब चीज़ें आप रिव्यू से पढ़ सकते हो। तो हमें लगता है कि अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनानी भी है या आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए। देखो मोबाइल एप्लीकेशन हम बताते हैं आप $1,000 से भी बना सकते हो और मैक्सिमम बना सकते हो, इसके लिए हम यहाँ पे फिगर आउट नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको ये सब चीज़ें आपके पास होने ज़रूरी है, ओके।
फिर अभी एक काम कैसे करेगा, अगर आपको कुछ करवाना है हमसे तो रिलेटेड देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका रिक्वायरमेंट और डिटेल्स हमें मेल करना है, फिर आपको कॉल का वेट करना है, कॉल जैसे ही आएगा आपको सब कुछ जो भी क्लियर आउट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको सब मतलब डन हो जाने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, उनका जो भी पेमेंट रहेगा वो पेमेंट करना है और आपका सर्विसेज का एंजॉयमेंट लेना है। ओके, अभी यहाँ पे ऑफ़र देखो क्या है, ऑफ़र ये है कि आप 50% पेमेंट देके अपना ऐप बनवा सकते हो। ओके, और एप्लीकेशन बनने के बाद बाकी का जो रिमाइनिंग पेमेंट है वो आप इंस्टॉलमेंट के साथ पे कर सकते हो, मतलब जो भी 6 मंथ रहेगा 3 मंथ रहेगा उसके अंदर आपको पे करना है। तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि नया नया बिजनेस है तो आपको पूरा पेमेंट खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे देखो किसी को लग रहा होगा कि मुझे वीडियो चैटिंग, लाइव वीडियो चैटिंग का ऐप बनवाना है, डेटिंग ऐप बनवाना है, मैट्रिमोनी का ऐप बनवाना है, ग्रॉसरी शॉप का ऐप बनाना है, ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी ऐप बनवाना है, तो वो बना सकता है, राइट। तो ये सोचिए उस तरीके से और फ़ायदे लीजिए। ये आपका चैनल है, कोई भी आपको समझ में नहीं आया रहेगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ओके, आप कमेंट बॉक्स में लिख कीजिए। और थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा वॉइस मेरा अप डाउन हो रहा है, बट समझने के लिए थैंक यू। ओके, और सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हम हमेशा बेल आइकन को दबा के रखिए। ओके, मतलब दबा दीजिए अगर नहीं दबाया रहेगा तो। चलो, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।